हेलो एवरीवन, कुक विद अनु में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पापड़ के पॉकेट्स। ये खाने में बहुत ही डिलीशियस होते हैं, तो चलिए पापड़ के पॉकेट्स बनाते हैं। पापड़ पॉकेट बनाने के लिए मैंने ये पापड़ लिए हैं, 5-6 पापड़ लिए हैं। आप किसी भी तरह के पापड़ ले सकते हो। एक हरी मिर्च चॉप की हुई, एक छोटा चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार, एक छोटा चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच मैदा, एक कटोरी धनिया चॉप किया हुआ, आधी कटोरी पनीर लिया मैंने क्रश करके रखा है, 2 प्याज लिए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया मैंने, आधा कप स्वीट कॉर्न, एक टमाटर चाप किया हुआ और थोड़ा सा पानी। अब मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है। अब मैं सभी चीज़ों को इसमें मिक्स कर लूँगी। सबसे पहले मैं प्याज डालूँगी जो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, एक टमाटर जो चाप किया हुआ है, आप इसमें कोई भी चीज़ स्किप कर सकते हो, आधी कटोरी स्वीट कॉर्न, पनीर जो कि मैंने हाथों से क्रश करके रखा था उसको भी ऐड कर लेंगे, धनिया चॉप किया हुआ, चाट मसाला आधा चम्मच के करीब, नमक थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है, काली मिर्च आधा चम्मच, एक हरी मिर्च चॉप की हुई, जीरा छोटा चम्मच। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इनको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी, सभी चीज़ें आपस में मिल जाएं। बहुत ही स्वादिष्ट पापड़ के पॉकेट बनते हैं, शाम को चाय के साथ लीजिए। मैं मैदे का घोल तैयार कर लूँगी बाइंडिंग के लिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी मैं, एकदम से पानी नहीं डालूंगी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसकी हमें सारी गुठलियों को मैश कर लेंगे, अच्छी तरह से मैश कर लेंगे इसको। आप मैदे की जगह कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हो। मैंने मैदा लिया है 2 चम्मच। तकरीबन ये हमारा घोल तैयार है। अब मैं इसको साइड पे करके, ये मैंने एक प्लेट में पहले से पानी डाल के रखा है। अब एक पापड़ लूंगी और पानी में डिप कर लूंगी, अच्छी तरह से दोनों साइड से डिप कर लेंगे इसको। पापड़ हमें पतले वाले लेने हैं, ज़्यादा मोटे वाले पापड़ नहीं लेने हैं। आप ये उठा के, ये मैंने नैपकिन रखा है, एक साफ नैपकिन ले लिए, किचन नैपकिन, इसको रख के और ऊपर से इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लें और सारा पानी हाथों से दबा दबा के सुखा लें। ये देखिए पानी तकरीबन सूख गया है, ये देखिए। तो अब हम पापड़ को स्टफ करेंगे, इसमें स्टफिंग डालेंगे हम, जो मैंने स्टफिंग तैयार की थी। सेंटर में डालूंगी इसको, आप कम ज़्यादा कर सकते हो जितनी आपको स्टफिंग डालनी है। ये देखिए डाल दी मैंने। अब मैं साइडों में थोड़ा सा जो मैंने मैदे का घोल बनाया था वो मैं लगा लूँगी इस पॉकेट को बंद करने के लिए। ये देखिए अब इसको एक साइड से उठा के रोल करते हुए, ये देखिए इसको पॉकेट को बंद कर लेंगे।
ये देखिए, अब इसके कॉर्नर पे मैं मैदा लगाऊंगी, थोड़ा सा बीच में भी लगा दूंगी क्योंकि ये पॉकेट हमारी खुले ना। दोनों साइड में मैदे का गोल लगा लूंगी और जो स्टफिंग हमारी, ये देखिए, अब इसको कॉर्नर से उठा के इसको प्रेस कर दूंगी। एक तरफ से बंद कर दिया, अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह मैं इसको जो स्टफिंग बाहर आ रही है उसको अच्छी तरह से अंतर कर लूंगी और इसको उसी तरह से बंद कर दूंगी। ये देखिए हमारी एक पॉकेट बन गई है। ये देखिए इसी तरह मैं सारी पॉकेट तैयार कर लूंगी। ये देखिए मैंने सारी पॉकेट तैयार कर ली हैं। मैंने दो तरह की शेप दी है। उधर मैंने पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख लिया है। अब मैं एक पॉकेट उठा के ऑयल में डीप फ्राई करूंगी। इसको मैं थोड़ी देर ऐसे ही रहने दूंगी जब तक ये एक तरफ से सिक जाती है। अब हम इसको पलट लेंगे दूसरी साइड से। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। एक तरफ से सीख ली है, दूसरी तरफ से भी हम अच्छी तरह से सीखने देंगे इसको। ये बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं, बहुत ही खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी तरह से, और खाने में भी बहुत क्रिस्पी स्वादिष्ट। ये देखिए दूसरी तरफ से भी कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। और दूसरी पॉकेट को तलने के लिए डालेंगे। इसी तरह हम सारी पॉकेट्स फ्राई करके तैयार कर लेंगे। हमारी प्लेटिंग तैयार है, बहुत ही खस्ता, बहुत ही सुंदर दिख रही है पापड़ की पॉकेट। ये मैं आपको काट के दिखाऊंगी। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप भी पापड़ के पॉकेट्स बनाइए, खाइए और अपने अनुभव कुक विद अनु के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।